हाय, क्या आप भी स्ट्रेस से परेशान हैं? लाइफ, वर्क और हेल्थ के प्रॉब्लम से गुजरते हुए आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स का यूज करना पड़ रहा है। अगर मैं कहूं कि बिना मेडिकेशंस के भी आप स्ट्रेस को न केवल मैनेज कर सकते हैं, बल्कि उसे कंट्रोल करने के साथ साथ आप उसे पूरा सप्रेस भी कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है? बस रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेस के हिडन कॉजेज, बॉडी पर उनके असर और कैसे आप उनको सिंपल लेकिन पावरफुल होलिस्टिक मेथड के साथ न केवल कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी से पूरी तरह गायब भी कर सकते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू इंदूज वेलनेस हब। आई एम ए सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड माय मिशन इज टू हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल इन अचीविंग गुड हेल्थ विद माय HAD फॉर्मूला। स्ट्रेस सभी को होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये असल में आता कहाँ से है? स्ट्रेस के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वर्क प्रेशर का होना, कभी न खत्म होने वाली डेडलाइंस का होना और टारगेट पूरा न कर पाना, फाइनेंशियल कंसर्न्स, पेशेंस और फ्यूचर अनसिक्योरिटी को लेकर के भी चिंताएं रहती हैं। रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट की कमी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक इलनेस या बीमारी का डर। लाइफ में बड़े चेंजेस, जैसे कि कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो, जॉब की शिफ्टिंग हो, जॉब लॉस हो या किसी अपने नियर एंड डियर का लॉस हो, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो हमें स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। अब अगर हम ये समझें कि स्ट्रेस का अपनी बॉडी पे क्या असर होता है, तो स्ट्रेस के समय क्या होता है कि हमारे बॉडी का एक फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, जो कि हमें किसी भी घबराहट वाली स्थिति या कोई भी ऐसी स्थिति जहां हमें अपनी लाइफ का डेंजर हो, तो वो वाला मोड होता है जो कि हमें ट्रिगर करता है हमें बचाने के लिए। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेस ज्यादातर ऐसे सिचुएशन में भी हो रहा है जो कि हमारे लिए उतनी खतरनाक नहीं होती है। लाइफ थ्रेटनिंग ना होने के बावजूद भी, जैसे वर्क के स्ट्रेस हुआ या फाइनेंशियल वॉरीज होती है, ये सब से भी हमें स्ट्रेस पनपता है। फाइट और फ्लाइट मोड में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस की पोजिशन में आती है, हमें किसी चीज का डर होता है, तो हमारी बॉडी से कार्टिसोल और एड्रेनल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारी हार्ट रेट को और ब्रीथिंग को इंक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने आप को कुछ ऐसा बदलाव ला सकते हैं कि हम उस स्थिति से बचाव कर सकें। लेकिन ये सिचुएशन, जब फाइट और फ्लाइट मोड की जो सिचुएशन होती है जिससे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते आते हैं, ये हमारी लाइफ में बनी हुई रहती है। जब भी हमें कोई ऐसी स्थिति नहीं होती, सिर्फ हमें जॉब की प्रॉब्लम या कोई भी रीजन से, तो इन सब का हमारी बॉडी में असर ये होता है कि हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बढ़ती है, जिससे हमारे हार्ट रेट हमेशा इंक्रीज हुए हुए रहते हैं, हमारा BP बढ़ता है, डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं और इन सब के चलते लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन तक भी इसमें आ जाती है। लेकिन एक गुड न्यूज है, आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और रेड्यूस भी कर सकते हैं यूजिंग होलिस्टिक अप्रोच, जो आपके हेल्थ के सभी एस्पेक्ट्स को नर्चर करती है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल टेक्निक बताती हूँ या शेयर करती हूँ जो इंदूज वेलनेस हब में मैं अपने मेंबर्स को जनरली बताती हूँ। माइंडफुल ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन एक सबसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है अपने माइंड और बॉडी को कॉम करने का। माइंडफुल ब्रीथिंग, बस कुछ मिनट्स के डीप ब्रीथिंग अगर आप लेते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो आप फाइट और फ्लाइट मोड से निकलकर रिलैक्सेशन के स्टेट में आ सकते हैं। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं और आपका माइंड पीस में आता है। रेगुलर एक्सरसाइज एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो या कोई भी फॉर्म का मूवमेंट जो आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में अगर इंक्लूड करते हैं, तो आप उसमें योगा कर सकते हैं, अगर आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, कोई भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, इवन अगर आप डांस भी करते हैं, तो यह न केवल आपके हार्मोन्स को सप्रेस करते हैं, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनको सप्रेस करते हैं और आपके मूड को अच्छा करते हैं, तो इससे भी आपके स्ट्रेस पे कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है।
होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स डाइट, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके शुगर स्पाइक ना हो और आपके बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिले। अगर आपकी बॉडी पूरा न्यूट्रिशन पाती है तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम रिलीज होते हैं। अच्छी नींद का होना भी जरूरी है, क्योंकि नींद के समय हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में काम करते हैं और हमें अगले दिन के वर्क के लिए तैयार करते हैं। जब हम नींद से सोकर के उठते हैं और हमें अच्छी तरह से फ्रेश रहते हैं तो हम अच्छा से काम कर सकते हैं और उसके कारण हमारे टारगेट अचीव होने में या हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबको सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल एक्टिविटीज भी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिए, सोसाइटी में जाइए, वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझिए, उनकी हेल्प करिए, आसपास के लोगों से मिलिए, अपने आसपास जो भी अगर कोई लोग घूम रहे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है तो उनकी मदद करिए। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिलीज ना होकर के आपको एक पीसफुल माइंड में ले जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आप चाहे तो अपने फैमिली का सपोर्ट भी ले सकते हैं, रिश्तेदारों में बात करिए, जो आपके क्लोज वंस हैं उनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, सॉल्यूशन मांग सकते हैं। अपने स्पाउस से अगर कन्फ्लिक्ट चल रही हो या कोई दिक्कत हो तो उनसे बात करिए ठंडे दिमाग से, तो भी आपको बहुत कुछ आराम मिल सकता है। अगर फ्यूचर को लेकर के चिंताएं हैं तो अपनी वेल्थ प्लानिंग कीजिए, आने वाले दिनों के लिए आपको किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है वो सब आप प्लान कीजिए अपने स्पाउस के साथ बैठ करके, तो भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। स्पिरिचुअल होना भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि आपको स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती है। स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ना, उनके बारे में समझना, चैंटिंग करना, ये सब आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को दबा के आपके माइंड को खुशी से भरते हैं, तो ये आपके लिए बहुत काम कर सकती है। आउटिंग पे जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, ये भी बहुत हेल्प करता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप अपना सकते हैं। आप अपनी डाइट पे काम करिए, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को पहले से मैनेज करिए, अच्छी नींद लीजिए, दोस्तों के साथ मिलिए, स्पिरिचुअल बनिए, सोसाइटी में किसी की मदद कीजिए, और इन सब को करके आप पाएंगे कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स काफ़ी कम बन रहे हैं और आप एक अच्छी स्टेट में जा रहे हैं। इसमें से कोई टेक्निक आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स किस कारण से रिलीज हो रहे हैं ये भी आप ज़रूर समझिएगा और कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम बात कर सकें उन कारण को कैसे हम दबा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी नियर एंड डियर के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल का बटन भी जरूर दीजिएगा। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।